मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाढ़ में दौरे के दौरान आदर्श स्टेडियम में आयोजित हुए जनसभा के दौरान कर्मचारियों की ओर से उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉई फेडरेशन ऑफ राजस्थान एवं टीम नूतन शिक्षक संगठन के जिलाध्यक्ष नूतनपुरी गोस्वामी के नेतृत्व में जिले भर के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री का साफा पहना माल्यार्पण शॉल ओढ़ाकर एवं अभिवादन पत्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान एनपीएस एफआर प्रदेश सचिव मोजी शंकर, सीडीओ तनुराम मेघवाल, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजन शर्मा, टीम नूतन के मुख्य संरक्षक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी, एडीओ जैतमाल सिंह व देवाराम चौधरी सहित कई सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाढ़मेर दौरे के दौरान आदर्श स्टेडियम में शुक्रवार को आयोजित हुई जनसभा के दौरान कर्मचारियों की ओर से उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान एवं टीम नूतन शिक्षक संगठन के जिलाध्यक्ष नूतनपुरी गोस्वामी के नेतृत्व में जिले भर के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री का साफा पहना माल्यार्पण शाल ओढ़ाकर एवं अभिवादन पत्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान एनपीएसईएफआर के अतिरिक्त प्रदेश सचिव मौजी शंकर सैनी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तनुराम मेघवाल, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजन शर्मा, टीम नूतन के मुख्य संरक्षक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जैतमाल सिंह व देवाराम चौधरी, सहायक निदेशक नरसिंह प्रसाद जांगीर के नेतृत्व में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान जिला संयोजक एवं टीम नूतन शिक्षक संगठन अध्यक्ष नूतनपुरी गोस्वामी की अगुवाई एवं मातृशक्ति सकुतला मेहता, कमला चौधरी व कंचन गोस्वामी के हाथों मुख्यमंत्री का स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम के दौरान परिषद पुरी गोस्वामी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पेंशन के लिए धन्यवाद दिया। वहीं ननी बालिका भूमि गोस्वामी ने कुमकुम व अक्षंत का तिलक लगाया। परिवार व बाड़मेर जिला कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षकों के साथ कर्मचारी मौजूद रहे।